आपके बीएड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, टेट सी टेट या सुपर टेट की तैयारियों में लग जाएंगे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जिनको एक जॉब की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, और हम अपनी जॉब करते हुए अपनी तैयारी करें। तो आप किस सेक्टर में पा सकते हैं बीएड करने के बाद जॉब? जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं और आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और आप चाहते हैं कि अब आपको कोई एक जॉब मिल जाए जहाँ पर एक आप ठीक ठाक एक सैलरी उठा पाएँ, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर आप जाके बीएड करने के बाद, जहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा आपका बीएड होगा और बीएड करने के बाद एक आप ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक ठाक इनकम क्रिएट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी फील्ड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि पता है बीएड हम लोग करते हैं सिर्फ टीचिंग करने के लिए, तो आपके पास स्कूल होता है एक माध्यम जहाँ पर आप टीचिंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा आप सभी को पता है कि जो हमारे गांव के स्कूल होते हैं वो टीचर्स को क्या पैकेज देते हैं, 4,000, 5,000, 3,000। तो आपको इस जॉब में नहीं रहना है, आपको 4 से 5,000 की जॉब नहीं करनी है, क्योंकि इतने में तो आजकल पर्सनल भी खर्चे नहीं हो पाते हैं पूरे। तो हमें एटलीस्ट 15 to 20,000 या 30,000 की इनकम जनरेट करनी है, तो हमें निकलना होगा थोड़ा सा बाहर, घर से बाहर, अपने डिस्ट्रिक्ट में या थोड़े से बड़े टाउन में, और आप एक अच्छा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैं प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, लेकिन एक ठीक ठाक पैकेज जो एक टीजीटी लेवल की सैलरी होती है उस सैलरी को मैं अचीव करता हूँ, तो वैसे ही इनकम आप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको निकलना पड़ता है अपने घर से शहर की तरफ, या आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे CBSE स्कूल होंगे जहाँ पर CBSE पैटर्न्स पे पढ़ाई होती होगी। अगर आपके पास बीएड डिग्री है, अगर आपके पास बीएड के रिजल्ट्स आ जाते हैं आफ्टर दैट, अगर आप इन स्कूलों में ट्राई कर सकते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 22,000 से 30 से 35,000 के बीच में हो सकती है। और वहीं पर कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो हमेशा रिक्रूटमेंट अपने निकालते रहते हैं और हेयरिंग करते रहते हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग, वहाँ पर PF वगैरह भी करते हैं। उन स्कूलों के बारे में हम कोई दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम आपको बताएंगे अगर आपने बीएड कर रखे हैं तो बीएड करने के बाद उन स्कूलों में टीचिंग करके एक अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं, साथ ही साथ जहाँ आपका PF का भी पैसा कटता है। एक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई की ही तरह होते हैं, बस वो होता है कि आपका प्राइवेट है, एक प्राइवेट जॉब है, लेकिन आपके जॉब वहां पर अस्थाई होती है और आपके PF वगैरह भी करते हैं, तो ऐसी भी जॉब है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट पर अगर पकड़ अच्छी है तब भी आपके लिए बेहतर स्कोप होता है जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पर भी आप टीचिंग कर सकते हैं। उन इंस्टीट्यूट में भी एक आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। अगर कोई भी टीचर है जो फिजिक्स पढ़ा सकता है, कोई भी टीचर है जो केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, अच्छे लेवल की केमिस्ट्री, अच्छे लेवल की फिजिक्स, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ पढ़ाते हैं, मैथ NDA लेवल की मैथ्स पढ़ा देते, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या क्या आपके पास स्कोप होते हैं, कहाँ कहाँ जाके आप ऐसे टीचिंग कर सकते हैं जहाँ से आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 40 to 50,000 के बीच में रहेगी, 40 से 50,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और जॉब 101% डन है, आपको मिल जाएगी। बस ज़रूरत है तो उनके टेस्ट को निकालना, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तभी आपको इतनी सैलरी मिल सकती है, बिना टैलेंट की इतनी सैलरी आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम 40,000 हो जाएगी, मिनिमम 40,000 जो मैं कह रहा हूँ। सब्जेक्ट आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायो हो, या आप जो है मैथ्स के टीचर हैं, या अगर आपका अदर सब्जेक्ट है GS पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, पकड़ है, वो चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, तब भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाके अपने डेमो दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ पर अपनी जॉब को अस्थाई कर सकते हैं। हम और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, चैनल से जुड़िए, हम आपको और भी वीडियोस लाते रहेंगे। हर एक वीडियो में सेपरेट आपको साइट पर लेके चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको लाके यहाँ पर देते रहेंगे। फाइनली आज का जो मेरा वीडियो का बनाने का मकसद था बस इतना था, अगर आप चाहते हैं बीएड आपने कर लिया है और आप चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब आपको एक मिले, टीचिंग की जॉब मिले, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हम आपको ऐसे बहुत सारे जॉब्स बताएंगे जहां पर आप बीएड करने के बाद एक ठीक ठाक सैलरी उठा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से जॉब है, कौन कौन से सेक्टर है, वो सारी बातें करेंगे हम आपसे। तो हमने कहा ना बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहां पर जाके भी आप इंटरव्यू दो, और हमारे चैनल पे अब आपको ये भी पता चलता रहेगा कहां पर इंटरव्यू चल रहा है, कहां पर किस साइट पे वैकेंसीज आ रही हैं, कहां पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका भी मकसद है कि टीचिंग किया जाए और हमारी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 25,000, 22,000 प्लस सैलरी हो, क्योंकि हम आपको जो भी जॉब्स बताएंगे वो मिनिमम आपको 22,000 से ज़्यादा की ही जॉब्स बताएंगे, 22,000 प्लस जो आपकी जॉब्स होंगे हम उनके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे।
और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास टैलेंट नहीं होगा, बट डिग्री होगी, बस पढ़े होंगे लेकिन टैलेंट नहीं है। तो आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आपके लिए भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं। हम उनके लिए भी यहाँ पर वीडियोस लाएंगे, तो हम आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं कि अगर आपने वीएड कर लिया है तो वीएड करने के बाद क्या क्या आपके लिए स्कोप है, वो सारी चीज़ें आपको फाइनली आपको अपडेट मिलता रहेगा। बहुत जल्दी हम वीडियो जिन पे अपलोड करना शुरू कर देंगे कि अगर बीएड कर लिया है तो बीएड करने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।